शिवसेना के सांसद रविंद्र गायकवाड़ को स्पाइस जेट से भी नहीं मिला टिकट। 3 अप्रैल को पुणे से अहमदाबाद के लिए बुक किया था टिकट, लेकिन एयरलाइंस ने किया कैंसिल। हाईवे से 500 मीटर की दूरी पर सुप्रीम कोर्ट के शराबबंदी वाले फैसले से हड़कंप। महाराष्ट्र को होगा 700 करोड़ रुपए के राजस्व का नुकसान। फर्जी कंपनीज का एक के बाद एक खुलासा, ईडी ने 16 प्रदेशों की 110 जगहों पर मारे छापे। एनसीपी के सीनियर नेता छगन भुजबल की मुश्किलें बढ़ी, ईडी ने किया 47 करोड़ की रकम सफेद करने वाली 700 शेल कंपनीज का खुलासा। मुंबई के कुर्ला रेलवे स्टेशन पर यात्रियों ने उतारा कैंटीन पर गुस्सा, प्लेटफॉर्म नंबर 7 की कैंटीन को लूटा। एक यात्री के समोसे में बाल निकलने के बाद बढ़ी थी बात, शिकायत पर कैंटीन चला रहे लड़के ने किया बुरा बर्ताव। तोड़फोड़ और लूट के बाद आरपीएफ ने संभाली स्थिति, यात्रियों और आरोपी कैंटीन संचालक जीआरपी के हवाले। भूस्खलन में तबाह हुए पुणे के मालिन गांव का 3 साल में पुनर्निर्माण, महाराष्ट्र सरकार ने सारे मकान कराए पक्के, मृतकों की याद में स्मारक का भी निर्माण। सीएम फडणवीस मालिन गांव के पीड़ितों को सुपुर्द करेंगे आवाज, 2014 में हुए भूस्खलन में मालिन में 150 से ज्यादा लोगों की हुई थी मौत। महाराष्ट्र के ठाणे में फर्जी डॉक्टर गिरफ्तार, 7वीं और 10वीं पास युवक और महिला ने खोला था नर्सिंग होम, पुलिस ने किया गिरफ्तार। बाबुओं नेताओं पर किया हमला तो मिलेगी 5 साल की कड़ी सजा, विधानसभा में पास हुआ प्रस्ताव। 2015 के सूखे का चीनी उत्पादन पर बुरा असर, 10 साल में सबसे ज्यादा गिरा उत्पादन। गन्ने की कमी के चलते ठप रहा कारोबार, 31 चीनी मिले इस साल रही बंद। मुंबई को जल्द मिलेगी गर्मी से राहत, मौसम विभाग ने कहा जल्द गिरेगा तापमान। संडे के दिन लोकल की रफ्तार पर लगा ब्रेक, सेंट्रल वेस्टर्न हार्बर लाइन को मेंटेनेंस वर्क के लिए रोका। अभिनेत्री प्रत्यूषा बैनर्जी के जमशेदपुर स्थित पैतृक घर पर जुटे रंगकर्मी, कैंडल जलाकर प्रत्यूषा को दी श्रद्धांजलि, कहा मौत पर अब तक है इंसाफ का इंतजार। मुंबई में लॉन्च हुई भारत की पहली गुजराती लाइफस्टाइल मैगजीन, टीवी की कई हस्तियों ने की शिरकत। फिल्म निर्देशक करण जौहर के घर दिखे आमिर खान, पत्नी किरण राव भी थी साथ। सलमान खान की फिल्म ट्यूबलाइट 23 जून को होगी रिलीज, कबीर खान ने किया है निर्देशन। सड़क गुलाम जैसी फिल्में बनाने वाले प्रोडक्शन हाउस विशेष फिल्म्स के 30 साल पूरे, महेश भट्ट समेत पूरा परिवार दिखा उत्साहित। सलमान खान का पूरा परिवार मालदीव्स में मना रहा है छुट्टियां, सोहेल खान की पत्नी ने एक वीडियो किया शेयर।